और एक बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में पूजा के मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखेगा। साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राष्ट्रपति से मिलने का भी वक्त मांगा है। मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा के फैसले पर एतराज जताया और इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती भी दी थी। तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, AIMPLB की तरफ से राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगा गया है व्यास जी तहखाने में पूजा पर। AIMPLB को बहुत ज्यादा एतराज है। इतना ही नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट का पूजा पर तत्काल रोक लगाने से साफ तौर पर इंकार कर दिया गया है। ज्ञानवापी मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी चिट्ठी लिखी जाएगी, जो जानकारी दी गई है। और ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने व्यास जी तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वहीं हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को जगह संरक्षित करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस केस की अगली सुनवाई अब 6 फरवरी को होगी और तब तक का इंतजार यहां पर करना पड़ेगा। लेकिन पूजा जैसी चल रही थी उसी तरीके से चलती रहेगी। खबर तो यह भी सामने आ रही है कि एक नए पुजारी को नियुक्त करने की भी वहां पर बात चल रही है। फिलहाल वहां पर विश्वनाथ मंदिर के जो पुजारी हैं वो 5 वक्त की आरती वहां पर कर रहे हैं। और ऐसे में तस्वीर भी आप देखिए, जिस दिन से पहली पूजा हुई है उस दिन से तमाम जो भक्त हैं वो देखना चाहते हैं कि आखिर वो स्थान कौन सा था, कौन सा वो तहखाना था जिसकी बात लगातार की जा रही थी। और कहा जाता था कि 30 साल पहले यहां पर पूजा होती थी, लेकिन अब यही वही व्यास जी तहखाना है जहां पर 30 साल पहले पूजा होती थी, लेकिन यहां फिर से पूजन अर्चन अब शुरू हो गया है। तमाम जो भक्तगण हैं वो भी आप देख पा रहे हैं, एक झांकी उनके लिए छोटा सा झरोखा खोल दिया गया है जिसके जरिए वो अंदर दर्शन कर सकते हैं। तो ज्ञानवापी में व्यास जी तहखाने को लोगों के लिए खोल दिया गया है। तहखाने में विराजमान शिव जी के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु ज्ञानवापी पहुंच रहे हैं। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए व्यास जी के तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और इस केस की अगली सुनवाई अब 6 फरवरी को होगी। 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। साफ तौर पर कहा गया कि देखिए पूजा जारी रहेगी, लेकिन इन सब के बीच में मुस्लिम पक्ष को बहुत बड़ा झटका लगा है और हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि अभी हम पूजा पर रोक नहीं लगा रखे हैं, पूरे मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। हालांकि अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता इसके लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि पहले ही मुस्लिम पक्ष कह चुका है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और व्यास जी तहखाने में पूजा के लिए आज नए पुजारी की नियुक्ति हो सकती है। हिंदू पक्षकार सोहन लाल आर्य ने नए पुजारी की नियुक्ति का दावा किया है। फिलहाल विश्वनाथ मंदिर के पुजारी व्यास जी तहखाने में इस वक्त पूजा कर रहे हैं। ये पूजा से जुड़ी आप तस्वीरें भी देखिए, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि एक नए पुजारी वहां पर नियुक्त किए जा सकते हैं। कौन होंगे अभी तक ये तय फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन आज ही कहा यह जा रहा है कि नए पुजारी की नियुक्ति वहां पर कर दी जाएगी। लेकिन तमाम जो भक्त हैं वो दूर दूर से पहुंच रहे हैं, उसकी भी ये तस्वीर आप देखिए। अब वहां पर एक छोटा सा झरोखा खोल दिया गया है जिसके जरिए जो लोग हैं वो दर्शन कर पा रहे हैं, क्योंकि हर कोई जानना चाहता था कि आखिर वो कौन सा स्थान था ज्ञानवापी परिसर के भीतर ही जहां पर 30 साल पहले पूजा होती थी, व्यास जी तहखाने के रूप में उसको जाना जाता था। वही हिंदू पक्षकार सोहन लाल आर्य और लक्ष्मी देवी ने व्यास जी तहखाने में हो रही पूजा की जानकारी दी, साथ ही नए पुजारी की नियुक्ति का दावा भी उन्होंने किया। सुनिए क्या कुछ कहा। आज प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से ही 3:30 बजे जो मंगल आरती हुई तब से ही दर्शनार्थियों की भीड़ उमड़ी चली आ रही है। और खासतौर से यह गौरवशाली क्षण, यह खुशी के पल जो 31 साल के बाद आया हुआ है, हम लोग हर्षित हैं, सभी समाज हर्षित है, सभी हिंदू जन हर्षित हैं। अभी तक जो है विश्वनाथ मंदिर के जो अर्चक थे वही पूजा पाठ कर रहे थे, लेकिन आज पूर्ण संभावना है कि विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के अनुसार एक नए पुजारी जो है आज मिल जाएंगे हम हिंदू समाज को जो है। हम लोग बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे थे, कम से कम 31 साल के बाद हम लोग को एक खुशी मिली है कि हम लोग को मतलब व्यास जी के तहखाने में दर्शन का मतलब अधिकार मिला है। आज पूजा का दूसरा दिन तो कैसा आप लोगों को क्या लग रहा है कि कितनी खुशी होनी चाहिए और क्या होना चाहिए वहाँ पे? हम लोग को तो बहुत खुशी है, पूरे सनातनियों को खुशी है, सबको बधाई देते हैं कि आके अपने दर्शन करिए आप लोग। वाराणसी में ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में दूसरे दिन पूजा अर्चना हो रही है और ज्ञानवापी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी उमड़ी है।
31 जनवरी को कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद ज्ञानवापी में व्यास जी तहखाना का ताला खोल दिया गया और रात में ही वहां पर साफ सफाई हो गई और साफ सफाई होने के बाद रात में ही पूजन अर्चन भी किया गया। 30 साल बाद ये पहला मौका था जब वहां पर ज्योत जलाई गई है और 30 साल बाद वहां पहली बार पूजा हुई और अब हर कोई वहां पर देखना चाहता है, उस स्थान के दर्शन करना चाहता है। हर दिन यहां पर 5 बार आरती हो रही है। 5 बार आरती होने के बाद लोग वहां पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए। हर कोई खुद भी आरती करना चाहता है लेकिन अभी फिलहाल इसकी इजाजत नहीं दी गई है। लेकिन ये झरोखा आप देखिए जिसके जरिए अंदर झांक कर कोई भी भक्त यहां पर दर्शन कर सकता है, उसकी भी व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन पीछे प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है क्योंकि परिसर एक ही है जहां पर नमाज भी अदा हो रही है और पूजा अर्चना भी की जा रही है। सामने से दर्शन हो रहा है बाहर से ही, लेकिन एकदम बहुत उत्साहित हो गया मैं। बाहर से ही व्यास जी के तहखाने में दर्शन हो रहा है, लगातार हो रही है, झांकी हो रही है बाहर से और साधारण श्रद्धालुओं के लिए भी दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है बाहर से। मन एकदम उत्साहित हो गया, एकदम रोंगटे समझ लिए खड़े हो गए हमारे दर्शन करके, क्योंकि 1993 में आखिरी बार पूजन हुई थी, फिर अब शुरू हुआ। बहुत अच्छा लगा, आज लगा कि हिंदुस्तान जाग रहा है। आप लोग क्या कहेंगे व्यास जी का तहखाने में दर्शन पूजन करना? बढ़िया है, मन खुशी हो गया, काफी अच्छा लगा देख के। सुबह आए थे हम लोग, 6 बजे आ गए थे तो काफी भीड़ कम था तो जल्दी से दर्शन भी हो गया और अच्छा लगा देख के। अभी आए हम लोग, कॉलेज से आ रहे थे, कॉलेज स्टूडेंट हम लोग ना, तो आए सुबह सुबह दर्शन हो गया। तो कोर्ट से परमिशन मिलने के बाद ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो चुका है। व्यास जी तहखाने में झांकी दर्शन की शुरुआत की गई, आम लोगों के लिए झरोखा खोला गया। बाहर से आए श्रद्धालु तहखाने में दर्शन करें जिसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। झांकी दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ अब लगातार पहुंच रही है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए आम लोग भी तहखाने में शिव जी के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं और सालों से इंतजार किया जा रहा था एक इस तस्वीर का, जब कब यहां पर जो है पूजा पाठ किया जाएगा व्यास जी का ये तहखाना जहां पर 30 सालों बाद जो है पूजा अर्चना की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में तहखाने में जब दर्शन शुरू हो चुके हैं तो दूर दूर से श्रद्धालु जो है वो लगातार अब पहुंच रहे हैं। महादेव की पूजा यहां पर की जा रही है। बाहर से आ रहे श्रद्धालु जो है वो अब फिलहाल तहखाने में दर्शन कर पा रहे हैं और दर्शन के लिए सुबह से भारी श्रद्धालु की भीड़ वहां पर उमड़ी हुई है जिसकी तस्वीरें लगातार मेरे रिपोर्टर्स आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर आपको व्यास जी के तहखाने की दिखा रहे हैं, लेकिन देखिए एक तरफ हिंदू पक्ष की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि अभी तो सिर्फ ये एक तहखाना है और भी तहखाने खुलने जो है वो बाकी है। लेकिन इन सब के बीच में मुस्लिम पक्ष को बहुत बड़ा झटका लगा है क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि अभी हम पूजा पर रोक नहीं लगा रखी है। हालांकि अगली सुनवाई जो है वो 6 फरवरी को होगी, यानी कि नियमित तौर पर जो है 5 बार आरती जो है वो फिलहाल व्यास जी के तहखाने में महादेव की जा रखी है और 6 तारीख तक इसी तरीके से चलता रहेगा। लेकिन एक तरफ मुस्लिम पक्ष की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि हम इस पूरे मामले को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखेंगे और हम चाहते हैं कि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे और जल्द से जल्द जो है वो इस मामले में सुनवाई हो। हम भी चाहते हैं, मुस्लिम पक्ष की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि हम चाहते हैं कि देखिए देश में शांति और सद्भाव जो है वो बना रहे, लेकिन उसके लिए हमारी बातें सुनना भी बहुत ज्यादा जरूरी है।